बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की ये वीडियो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे के हवाले से, आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हुकूमत से जो मुतालबा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं वीडियो की डिटेल की जानिब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में 100% इजाफा किया जाए, ये आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम उजरत 40,000 रुपये की जाए और पेंशन में 30% इजाफा किया जाए। यानी कि महंगाई को देखते हुए रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतें, इस वजह से तमाम और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ये मुत्तफिक का फ़ैसला है, मुतालबा है कि जो मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, उनका गुजारा अब मुमकिन नहीं है क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। इस वजह से जो कम अज़ कम उजरत है वो 40,000 रुपये की जाए और इसके साथ साथ पेंशन में 30% इजाफ़ा किया जाए और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 70% इजाफा। ये इनका ये कहना है कि ये हमने नहीं कहा, ये पे एंड पेंशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो उसमें हमारा तो 100% मुतालबा है, लेकिन अगर पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखा जाए तो उसके मुताबिक भी तनख्वाहों में 70% इजाफे का कहा गया है। लेकिन मुलाजमीन का कहना है कि हमारा मुतालबा जो है वो 100% इजाफे का है। ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, मुलाजमीन तक, पेंशनर्स तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।